नमस्कार, शाला दर्पण पोर्टल पर अथोटिकेट स्टैंड जनाधार मॉड्यूल पर सूचना अद्यतन करने के लिए एक आदेश आया है, जिसके अंतर्गत हमें स्टैंड्स का आधार जनाधार अपडेट करना था, जो हमने पहले भी किया था। अब जनाधार अपडेट को लेकर ये सूचना है, जिसमें हमें क्या करना है। देखिए, नंबर एक, विद्यालय के संस्था प्रधान कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन पर, स्टाफ लॉगिन विंडो है वहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे। नंबर दो, कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ विंडो लॉगिन के विद्यार्थी पर, यानी कि वहाँ पे आपको इसकी सूचना मिलेगी, जिसमें जनाधार में आप नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर का मिलान करेंगे, जो आपके शाला दर्पण फॉर्म 5 में स्टूडेंट्स का मिलान होना चाहिए। नंबर तीन, यदि डाटा में असमानता होने पर, अगर डाटा आपका मिसमैच है, स्कूल में डिटेल है वो सारी आपकी सही है और जनाधार में सही नहीं है, तो वहाँ पर हमें अपडेट करनी है। नंबर चार, कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान बिंदु संख्या 3 में वर्णित अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल बटन का उपयोग करके शाला दर्पण से डाटा के आधार पर जनाधार पोर्टल पर डाटा अद्यतन किया जा सकता है, ये सूचना वहाँ हम अपडेट करेंगे शाला दर्पण पे। और नंबर पाँच, जनाधार प्रमाणीकरण से संबंधित दस्तावेज, अब आप जो अपडेट करते हैं उसके लिए एक URN नंबर जारी होता है, उसे आप प्रिंट करेंगे और उस प्रिंट पे आप इस URN नंबर को लिखकर छोड़ लेंगे, अपने सेव करेंगे डाटा कि ये हमने अपडेट किए हैं। अब इसका जो मॉड्यूल है वो स्टाफ लॉगिन पे है, अपने स्टाफ लॉगिन को ओपन करते हैं, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए अथेंटिकेट स्टैंड जनाधार, यहाँ हम क्लिक करेंगे, फिर ये नाम सेम आता है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो कुछ दिशा निर्देश यहाँ आपके सामने दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको डाटा जो है जनाधार में शाला दर्पण पर फॉर्म 5 जो आपका है उससे मिलान करना है आपको। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका मिलान हम यहाँ अपने फॉर्म में करेंगे, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म 5 में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद मिलान डाटा आपका सही है स्कूल के अंदर तो जनाधार आप अपडेट करना है। 8 नंबर बिंदु पे एक फॉर्म दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ आपके सामने डिटेल दी गई है, गेट क्लास वाइज डाटा, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल आ जाती है, टोटल स्टैंड्स आधार एंटर्ड, उनमें से अथोटिकेट कितने हैं, जनाधार अथोटिकेट कितने हैं और वेरीफाई कितने और बाकी कितने रह गए, यानी 17 जनाधार आपके बाकी हैं। तो यहाँ क्लास 8A पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपके सामने सब बच्चों की डिटेल आ जाती है। अब हमें किसी भी बच्चे की डिटेल को अपडेट करना है तो यहाँ अथोटिकेट जनाधार डाटा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपके सामने दे रखा है कि फॉर्म 5 जो है आपका, उससे आप अच्छे से मिलान कीजिए जो डाटा गलत है। यहाँ आधार आपको एंट्री फिर से करनी है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपडेट कर पाएंगे। इस प्रकार जनाधार नंबर और जनाधार मेंबर आईडी, उसके बाद अथोटिकेट आधार पे आपको क्लिक करना है। अगर ये डिटेल सही हुई, जैसे आपके शाला दर्पण पे है, तो ये यहाँ ओके हो जाएगी, अन्यथा यहाँ फेल्ड आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ जनाधार पे क्लिक करते हैं और यहाँ भी वो सेम समस्या रहती है, इसका मिलान हम फॉर्म 5 से करते हैं, वहाँ बिल्कुल डाटा सही है, तब यहाँ भी उसी के अनुसार जनाधार में है तो ही अथोटिकेट होगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए इसे क्लोज करेंगे। फिर यहाँ 2 नंबर प्रक्रिया दे रखी है, अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। अब इस पोर्टल पे जनाधार पे हम अपडेट करते हैं, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ आधार दे रखा है और जनाधार सेम ही प्रक्रिया दे रखी है, यहाँ डिक्लेरेशन देते हैं तो यहाँ जनाधार अपडेट करने के लिए अपडेट डाटा ऑन जनाधार पे क्लिक करेंगे तो नीचे TRN नंबर आता है, जो ऊपर जो प्रिंट बताया है उस पर क्लिक करके उस पर यहाँ नंबर लिखेंगे। इसके अंदर कुछ डाटा है जो एक दो दिन पहले जो बताया जा रहा था, वेबसाइट अपडेट की गई है तो वहाँ जो डाटा 3 कॉलम आ रहे थे आधार जनाधार, उनको अपडेट का जो इसमें पहले कॉलम आ रहे थे जनाधार में, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर का, वो अब नहीं दे रखे हैं। हो सकता है जल्दी जल्दी पुनः अपडेट किया जाए, उसके अकॉर्डिंग नई वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप डाटा मिलान कर लीजिए शाला दर्पण पे और जैसे ही नई सूचना आती है आपको बता दी जाएगी। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।